गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लास के इस वीडियो में हम आपका स्किल टेस्ट लेंगे और इसमें हमने आपको आज तक जो वीडियो क्लास की तरह पढ़ाए हैं हिंदी में, हम उनके कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं सॉल्व करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला है चित्र देखकर सही स्थान पे अनुस्वार और अनुनासिक लगाइए। चलो बच्चों, पहला है हमारा घंटी, क्या है? घंटी। फिर दूसरा है आंख, फिर है शंख, पंख और चांद। इस पे किन पे तो अनुस्वार लगेगा और किस पे अनुनासिक लगेगा, इस बात का हमें ध्यान देना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स बताओ घंटी पे क्या लगेगा? बताओ, घंटी पे लगेगा अनुस्वार, घंटी, आंख, आंख अनुनासिक, आंख, और शंख, पंख, चांद। ओके, लिखिए बच्चों, अपनी कॉपी में लिखिए, आपकी राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फिर है क्वेश्चंस नंबर टू है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएं। जो वर्ण हैं इनको हमें जोड़ना है और जोड़ के हमें क्या बनाना है? शब्द। च प्लस आ क्या होगा? चा। और त प्लस आ ता, तो क्या हो गया? चाता। त में अ मिला तो क्या हो गया? त। ओके, ब में अ मिला तो क्या हो गया? ब। और ल में आ मिला तो ला। तो हमारा शब्द क्या बन गया? तबला। क्या बन गया बच्चों? तबला। ओके, अब देखो बच्चों, क प्लस ओ क्या हो गया? क्या हो गया? को। फिर य में अ मिला य, और ल में अ मिला ल, तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? कोयल। क्या बन गया बच्चों? कोयल। लिखिए अपनी कॉपी में लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर तीन है, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। भाषा क है इसमें हमारा प्रश्न, भाषा लिखने की विधि को, भाषा लिखने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों, बताओ? तो क्या होगा बच्चों? भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। फिर हिंदी हमारी है, हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा। हिंदी हमारी क्या है बच्चों? राष्ट्रीय भाषा। लिखिए, तो बच्चों हमारा उत्तर क्या होगा? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। क्या है? राष्ट्र भाषा। हिंदी हमारी क्या है बच्चों? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बोलकर अपनी बात कहना,
जब हम अपने बोल के कोई बात कहते हैं वो कौन सी भाषा होती है बताओ? जब हम बोल के अपनी भाषा कहते हैं तो उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। कौन सी? मौखिक। लिखिए, क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करना है। ओके, फिर है सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान दिखाना है। 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो हमें इसके आगे क्या करना है? सही का निशान, र में उ की मात्रा उसके बीच में लगती है। र में उ की मात्रा बीच में लगती है क्या? अ किसी व्यंजन में नहीं लगता है, अ तो प्रत्येक व्यंजन में होता है। अ तो प्रत्येक व्यंजन में होता है ना, अ के बिना तो व्यंजन बन ही नहीं सकता है। ओके ओके बच्चों, तो हमारा 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 2, र में उ की मात्रा उसके बीच में लगती है। बिल्कुल सही बात है। और अ किसी व्यंजन में नहीं लगता है, ये गलत बात है। अ प्रत्येक व्यंजन में होता है। ओके, लिखिए। फिर आपको जो हमने बताया है आप उन सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में कीजिए। और 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस लाइन को आप अपनी सुलेख की कॉपी में पूरा एक पेज करना है। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इस लाइन को भी आपको अपनी सुलेख की कॉपी में पूरा पेज करना है। ओके बच्चों, लिखिए, स्टार्ट कीजिए। और जब हम बोलकर अपनी बात किसी से कहते हैं वो होती है मौखिक भाषा, और जब हम बात किसी को लिख के कहते हैं, मैसेज करके कहते हैं, तो वो कौन सी होती है? लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित। ओके, और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? हिंदी। और भाषा लिखने की विधि को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है, भाषा लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि। फिर देखो, च के अंदर आ मिला तो क्या बना? चा। त के अंदर आ मिला तो क्या बना? ता। तो हमारे क्या शब्द बन गया? चाता। त प्लस अ क्या हो गया? त। ब प्लस अ ब। ल प्लस आ ला। त ब ला। क के अंदर ओ मिलेगा तो को। य के अंदर अ मिला तो य। ल के अंदर अ मिला तो ल। तो ये क्या बन गया? कोयल। क्या बन गया? कोयल। लिखिए डियर स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में, राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग में आपको अपना काम करना है। और इसके बाद में ये क्वेश्चंस हैं, किस पे हमने अनुस्वार और किसी पे अनुनासिक लगाना है। तो घंटी पे हमने लगाया अनुस्वार, आँख पे अनुनासिक, शंख अनुस्वार, पंख अनुस्वार और चांद पे अनुनासिक। लिखिए बच्चों, राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जितनी आपकी रेटिंग अच्छी होगी उतने ही आपको याद होगा। आराम से वर्क कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको संज्ञा के बारे में जो हमने पढ़ाया है वो सारे क्वेश्चंस वापस याद करने। संज्ञा किससे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण याद रखने हैं, जातिवाचक के 3 और भाववाचक के भी 3-3 उदाहरण आपको याद करने हैं। फिर शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, शब्द और वाक्य में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, वो भी आपको याद करना है। ओके, स्टार्ट टू राइट, लिखना शुरू कीजिए बच्चों, अच्छी तरह से लिखना है। वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने भी वीडियो आपको मिल रहे हैं आप उनसे जो भी होमवर्क देखने को मिल रहा है, जो हम आपको करने को कह रहे हैं, आप होमवर्क जो है जरूर कंप्लीट करें। बिल्कुल कम होमवर्क आ रहा है तो आप होमवर्क को
करे और उसे रिवीजन तौर पे याद भी करे। राइटिंग का विशेष ध्यान दे और पेंसिल से अपना काम पूरा कीजिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम आपको जेंडर के बारे में बताएंगे, ये जेंडर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।